तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रोटी का नाश्ता बनके तैयार है। और इसमें जो हमने फिलिंग भरा था आलू और प्याज का, तो ये देखिए कितना बढ़िया और टेक्सचर इसका लग रहा है देखने से। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 12 से 15 आलू लिया जो कि वेट में 250 ग्राम के आसपास है। इसे हमने बॉयल कर लिया है और बॉयल करके सारे छिलके को हम निकाल लिया है। और बिल्कुल बारीक बारीक हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को काटा है और 8 से 10 हमने हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। और इन सारे को डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सरसों का तेल अब डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। तो सारे इंग्रेडिएंट को डालने के बाद हम इसे अच्छे से हाथों के सहारे मैश कर लेंगे। तो नॉर्मली हाथों के सहारे आसानी से ये अच्छे से मैश हो जाएगा। तो सारे को हम इसे मैश कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं बची हुई रोटी से, तो बची हुई रोटी कहने का मतलब है कि रोटी बनने के 4-5 घंटे के बाद जो रोटी में जो खस्तापन हो जाता है ठंडी होने के बाद, तो उस प्रकार की रेसिपी का हम ये बना रहे हैं नाश्ता। तो ये देखिए फाइनली हमारा स्टफिंग जो आलू का है वो हम तैयार कर लिया है। फाइनली इस प्रकार से कुछ इसका टेक्सचर रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो ये हमने रोटी लिया है, तो रोटी फ्रेंड्स ये हमारा 5 से 6 घंटे पहले बना था। तो उसी रोटी को हम यहाँ पर टमाटो केचप थोड़ी सी लगाएंगे और इस प्रकार से चम्मच की मदद से आप इसे चारों तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लें। तो आप इस प्रकार से डाल के उसके बाद हम ये जो आलू के भरते हैं उसे इस प्रकार से हम डालेंगे। तो चम्मच की मदद से आधी रोटी में ही हम डालेंगे टेक्सचर। अब तो ये आलू का जो हमने स्टफिंग तैयार किया है इसे खूब कस के डालें ताकि ये जो नाश्ता बनेगा बहुत ही लाजवाब और टेस्टी। तो बची हुई रोटी से हम इस प्रकार से इसीलिए बनाते हैं फ्रेंड्स क्योंकि बची हुई रोटी जो होती है ठंडे होने के बाद थोड़ी सी खास्तेदार हो जाती है, इसीलिए ये रेसिपी उस पर ज़्यादा सूट करती है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये रेसिपी। तो इस प्रकार से हम इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आप हथेलियों के सहारे इस प्रकार से हल्का हल्का प्रेस करके इसे चिपका दें आपस में। आप चाहें तो सॉस आपको पसंद हो तो डालें, हालांकि सॉस डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे आलू के भरते को हम चारों तरफ से इस प्रकार से प्रेस करके इसे दबाएंगे और जो थोड़ी बहुत बाहर निकल रही है उंगली के सहारे इसे प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा आलू का स्टफिंग भर के तैयार है। तो इसी प्रकार से हमने सारे रोटी में इसी प्रकार से आलू के भरते को हमने डाला है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सब तैयार हो गया है भर के। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने एक तवा लिया है, तवे पर नॉनस्टिक तवा है। 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। 2 रोटी का नाश्ता बनाने के लिए 2 चम्मच काफ़ी तेल है। तो तेल बिल्कुल गर्म करके उसके बाद इस प्रकार से हम डालेंगे और डालने के बाद 1 से 2 मिनट इस प्रकार से रहने देंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से हथेलियों के सहारे इसे घुमाएँगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और किनारे में जो तेल है तवे के किनारे में उसे स्पर्श करते हुए इसे अच्छे से घुमाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक तरफ सिक गया होगा। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ अच्छे से बारी बारी से इसे पलट के पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रोटी तो हमारा पका हुआ है, केवल इसमें तेल लगने के बाद थोड़ी सी क्रंचीनेस आएगा तो उसी तरीके से हमें पकाना है। तो फाइनली ये हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है। तो इसी कलर में आपको रखना है क्योंकि इस प्रकार से थोड़ी सी तेल डाल के पकाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार ऊपर से हो जाएगी। तो फाइनली ये हमारा रोटी का ब्रेकफास्ट बन के तैयार फ्रेंड्स। अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुई है। आप इसे नाश्ते के रूप में सेवन कर सकते हैं।
तो हम इसमें दिखाते हैं आपको टेक्सचर इसका, ये कितना बढ़िया इसका टेक्सचर, बीच में जो हमने फिलिंग में डाला था आलू का, तो है ना बिल्कुल लाजवाब। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।